नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चेस चैनल क्लासिक चेस न्यूज में। अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ नया एक मुकाबला, अभी एरोफ्लोट रशिया में जो हो रहा है टूर्नामेंट, उसी में प्रगनंदा और निहाल सरिन के बीच का। दोनों दिग्गजों के बीच में अभी तक 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 3 ड्रॉ हुए हैं और 2 गेम निहाल सरिन के पक्ष में गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ निमजो इंडियन का गेम हुआ था और इसमें दोनों पक्षों ने स्टार्टिंग से ड्रॉइस सिचुएशन ही था। लास्ट में कैसे निहाल सरिन जीते हैं ये हम दिखाएंगे। यहाँ पर अगर पॉन d4 पर पुश कर देते हैं प्रगनंदा तो क्या होगा ये देखते हैं। पहले अगर पुश करते हैं तो यहाँ कैसलिंग हो जाएगी और वो पॉन हमेशा के लिए खो देना पड़ेगा। यही सब कैलकुलेशन लगा के जो प्रगनंदा है वो पॉन पुश ना करके नाइट चला उन्होंने, और अभी c3 वाले नाइट पर लगातार प्रेशर बना रखे हैं। कैसलिंग के बाद अब इस नाइट को ले लिया और यहाँ पर पॉन पर अटैक था इसलिए डबल किया। यहाँ जब बिशप c4 पर आया, एक शॉर्ट ऑफ पिन कह लीजिए या डिस्कवर अटैक के लिए रुक को रखा, तो वहाँ से क्वीन हटा लिया और फिर अभी बिशप पर अटैक है। बिशप के पास बचने का उपाय है काफ़ी। यहाँ माइनर पीसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो गए लगभग, और रुक का भी एक्सचेंज हो गया। तो यहाँ तक सिचुएशन कोई जीत नहीं रहा है, बेसिकली ड्रॉ है। अब यहाँ निहाल सरिन छोटे छोटे आइडियाज़ लगा के और कैसे उन्होंने अपने बढ़त बनाई ये देखते हैं। यहाँ पर क्वीन जो e4 पर रखा है ताकि ये ना मार सके, बेसिकली ऐसे बिशप से मार के एक थ्रेट दिया जाता है। और यहाँ क्वीन एक्सचेंज का ऑफर, यही प्रगनंदा का मेंटलिटी से पता चलता है कि वो चाहते हैं गेम ड्रॉ हो और निहाल सरिन चाहते हैं गेम जीते। तो यही सोच में फ़र्क है और इसके वजह से ही काफ़ी कुछ जो है वो प्रगनंदा हमेशा एक्सचेंज के लिए आगे रहते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्वीन सेंट्रलाइज है और बिशप है इनके पास, उनके पास नाइट और क्वीन है। हालांकि क्वीन के साथ नाइट का अच्छा कम्बिनेशन होता है और अच्छी तरह से खेल सकते हैं बिशप के मुकाबले। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इनकी पॉन मेजोरिटी ज़्यादा है तो यहाँ पुश कर रहे हैं, वो क्वीन एक्सचेंज के लिए जा रहे हैं। तो क्वीन एक्सचेंज हो गया, अब थोड़ा सा वीकनेसेस ज़्यादा हो गए। यहाँ पर इस साइड 4 पॉन है, पॉन मेजोरिटी है, तो नेचुरली है कि निहाल चाहेंगे कि मैं किंग साइड खेलूं, और उनको चाहिए कि वो क्वीन साइड वाले पॉन पुश करते हैं प्रगनंदा, वहाँ पर उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है। लेकिन वो फिर भी इसी साइड खेल रहे हैं, ये भी एक माइनस पॉइंट। अब उन्होंने पुश कर दिया है पॉन, और ये एक पॉन एक्सचेंज होने के बाद से ये हमेशा वीक, हमेशा के लिए वीक पॉन रह गया ये h6 वाला पॉन। तो अभी देखेंगे, किंग अगर इधर जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता है, सारे जो स्क्वायर्स हैं किंग के आसपास के वो लगभग ब्लैक के पास है, तो वहाँ किंग का एंट्री थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब जो है यहाँ पर पॉन मेजोरिटी भी है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अभी क्वीन किंग जो है वो कोशिश कर रहा है कि जल्दी से पहुँचे इधर, और यहाँ हालांकि अभी भी इन घरों पर ब्लैक का ही कब्जा है तो जल्दी एंट्री नहीं मिलेगी। तो इधर के भी पॉन पुश कर रहे हैं ताकि कैसे भी एक पासर क्रिएट किया जा सके। अब यहाँ पर एक एक्सचेंज का ऑफर है, पॉन एक्सचेंज का, तो हो गया। अब यहाँ देखिए, तो अब नाइट को निकलने के लिए जो जगह हैं वो अगर चाहे तो ब्लैक बिशप उसको ट्रैप कर सकता है, कोशिश कर सकता है, इसीलिए आया कि इन सब घरों से कम वो ना निकल पाए और इस साइड नाइट ना आ पाए जहाँ इनके पॉन है। ये एक गलत मूव है, यहाँ पर इसको मिस्टेक कहेंगे। गेम का पहला मेजर मिस्टेक यही था, फ्री का पॉन
उन्होंने दे दिया यहाँ पे, और अब इस H6 वाले पॉन पर अटैक है और किंग को वहाँ रहना ही पड़ेगा आसपास उसको बचाने के लिए। तो इन्होंने फिर से अटैक किया, फिर से अब यह नाइट जो है नीचे आएगा तो नाइट ट्रैप हो जाएगा हमेशा के लिए, तो इसलिए ऊपर गया वो और एक पॉन देना पड़ा। और अभी देखें तो 2 पॉन 3 पॉन आगे हो गए हैं। अब यहाँ से तो दोनों पॉन पर अटैक किया नाइट से, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। अब तो ये पॉन क्वीन बन के ही रहेगा और इस सिचुएशन में प्रज्ञानंदा ने रिजाइन कर दिया। तो एक छोटे छोटे बातें होती हैं जिसको ध्यान में रखा जाए, और मेंटलिटी होती है एक विन की होती है, एक ड्रॉइस करने की। तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा आपको, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।